नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। यूपी में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही पुलिस के अधिकारों का दायरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होते ही पुलिस के अधिकारों का दायरा भी बड़ा हो जाएगा। हालांकि मुंबई, कोलकाता व दिल्ली में लागू कमिश्नर प्रणाली की भांति ही अब प्रदेश में पुलिस के पास आबकारी लाइसेंस, सराय एक्ट व चलचित्र अधिनियम के तहत लाइसेंस देने का अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार अब भी मजिस्ट्रेट के पास ही सुरक्षित होंगे। बताया गया है कि इन अधिकारों को लेकर चर्चा छिड़ी तो आईपीएस अधिकारियों ने इन्हें हासिल करने के लिए ज़्यादा जोर भी नहीं लगाया। लंबे समय से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए कसरत कर रहे आईपीएस अधिकारी इस बार यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इन मुद्दों पर उन्होंने रणनीति के तहत खामोशी को चुना। आईएएस अधिकारी भी सारे अधिकार अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाह रहे थे। भले ही आईएएस अधिकारियों ने कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन लाइसेंस देने के प्रमुख अधिकारियों को लेकर उन्होंने अपने सभी दांव जरूर चले। दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी के तहत पुलिस को धारा 107/116 के तहत किसी को पाबंद करने के साथ साथ रास्ते में विवाद में आदेश देकर उसे खाली कराने का अधिकार भी होगा। लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस धारा 144 लागू करने के साथ ही शांति भंग करने की आशंका में किसी व्यक्ति का धारा 151 के तहत चालान करने के साथ ही एसडीएम की तरह उसे सुनवाई कर आरोपित जेल भेजने व जमानत पर छोड़ने का अधिकार पुलिस के पास होगा। कारागार में अब चेकिंग करने का अधिकार भी पुलिस आयुक्त के पास होगा। अब तक जेलों में डीएम के साथ ही डीएसपी, एसपी निरीक्षण करने जाया करते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पुलिस आयुक्त के पास किसी बंदी के 7-8 दिनों की पैरोल मंजूर करने का अधिकार भी होगा। पुलिस कमिश्नर के पास अब 20 से जुड़े मामलों, अनैतिक देह व्यापार, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े मामलों को लेकर पशु क्रूरता के मामलों में भी कार्रवाई करने की शक्ति होगी। पुलिस आयुक्त के परिभाषित अधिकारों के एनएसए के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार इस प्रकार की पुलिस आयुक्त को शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस देने का अधिकार भी अब होगा। उत्तर प्रदेश में इस नई प्रणाली को लागू किए जाने के बाद शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने के अधिकार को लेकर अभी आईएएस व आईपीएस संवर्ग के बीच खींचतान जरूर देखने को मिलेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि शस्त्र अधिनियम, सराय एक्ट, आबकारी अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट समेत कई अधिकार डीएम के पास ही सुरक्षित रहेंगे। दिल्ली में होमगार्ड विभाग पर पुलिस कमिश्नर का नियंत्रण है। उत्तर प्रदेश में अभी इसे लेकर चर्चा नहीं हो रही। यहां होमगार्ड पर नियंत्रण अभी डीएम का ही रहेगा। पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए सरकार ने आईपीएस, पीपीएस संवर्ग के आवश्यक पदों का समायोजन से भरे जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अन्य संसाधनों को वर्तमान में उपलब्ध बजट से ही पूरा किया जाएगा। बताया गया है कि लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने से विभाग पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही पुलिस की शक्तियों में पुलिस लागू कर सकेगी धारा 144 और दंड संहिता प्रक्रिया के तहत धारा 58 व अध्याय 8 शांति और सदाचार के लिए और अध्याय 10 लोक व्यवस्था व शांति बनाए रखना में परिभाषित मजिस्ट्रेट की कार्य शक्तियाँ होंगी। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970, 20 अधिनियम 1919, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, विस्फोटक अधिनियम 1844, कारागार अधिनियम 1894, सरकारी गोपनीय अधिनियम 1923, विदेशी अधिनियम 1946, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1944, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण व अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 व उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विधिक अधिकार पुलिस को प्राप्त हो जाएंगे। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।